मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत शॉपिंग कर जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग, ये भी ले लो वो भी ले लो, और इस चक्कर में घर में कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है। इस कबाड़े को निकालने का बहुत उत्तम दिन आ रहा है। इस वेस्ट मटेरियल को आप तुरंत निकाल दीजिए, आपके भाग्य चमक जाएंगे तुरंत। शनिचरी अमावस के दिन सूर्य ग्रहण भी है, यह बहुत उत्तम सुखद संयोग है। हालांकि सुखद संयोग इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रहण और अमावस अपने आप में प्रतिकूल प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए अमावस और शनिवार को बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन अडार तंत्र का प्रयोग आप करते हैं, बहुत उत्तम माना जाता है। अडार तंत्र उसको बोलते हैं जब दिवाली जैसी ही सफाई आप करते हैं, तो दिवाली जैसी ही सफाई का उत्तम दिन होता है किसी भी अमावस को आप करें या शनिवार को करें। और जो शनिवार और अमावस दोनों ही एक साथ पड़ गए हैं, इसलिए मैंने बोला सुखद संयोग। आपको टाइम है अभी, और कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सामान अपने घर से इकट्ठा कर लीजिए और उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसको आप सफाई कर्मी वाली गाड़ी में भी डाल सकते हैं, या आप उसको किसी को दे सकते हैं अगर देने योग्य है और उसको कोई यूज़ कर सकता है, तो देने में ही आपको लाभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत टूटे फूटे होते हैं, मैं आपको सलाह नहीं दूंगी उनको किसी को भी दो, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अन्य को भी क्यों दे रहे हैं वो यूज़ करने के लिए। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। ऐसी 7 चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जिनको आपको फेंकना ही है, जिनको फेंकना ही है। आपकी ज़िंदगी से शनिचरी अमावस का प्रकोप शांत हो जाएगा, आपके लिए शनि शुभ बन जाएंगे, आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्रफुल्लित मन से आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो जाएगी। क्योंकि अमावस का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पा सकते हैं इस दिन साफ सफाई करके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी अच्छे मन से मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। यहाँ आपको मिलती है जानकारी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, और व्रत उपवास से संबंधित भी आपको अनेक जानकारी मैं देती हूँ। उसको भी आप देखते हैं और मुझे खुशी होती है, उसको आप पसंद करते हैं तो भी मुझे खुशी होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लीजिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं कि ऐसी क्या चीज़, 7 चीज़ें हैं जो आपको फेंकनी ही है। पहले नंबर पर है घिसे हुए जूते चप्पल। जिन जूते चप्पलों के तलवे घिस गए हैं, बदरंग हो गए हैं, किसी काम के आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप पहन रहे हैं। मैंने एक अंकल को देखा था अभी कल परसों ही, वो किसी से बात कर रहे थे रोड पर जाते हुए। अक्सर वो डेली बातचीत करते हैं किसी से, डेली सड़क पे घूमते हुए। उनके पैरों में ऐसी चप्पल थी जिसको टूटी चप्पल देख के भी शर्मा जाए खुद ही, लेकिन वो अभी भी उस चप्पल को पहन रहे हैं जो टायर के जैसे काले रंग की है। ऐसी चप्पलें शनि को निमंत्रित देती हैं, और शनि कष्ट का कारक है। तो ऐसी चप्पलें अगर आपके भी घर में हैं तो तुरंत उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, और आपको शनि के कुपात्र नहीं बनना पड़ेगा, शनि की कृपा ही आपको मिलेगी। तो ये पहले नंबर पर है घिसे हुए तलवे वाले जूते चप्पल। टूटे फूटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर घिस गए हैं तो भी आपको फेंक देने हैं शनिचरी अमावस के दिन। इससे आपको बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी, और आपके ज़िंदगी में सुख के साथ धन वैभव छलकेगा। दूसरी चीज़ है ऊन के गोले, वुलन जो होते हैं ना गोले, जो हम नीटिंग के काम में लेते हैं। अगर आपके घर में यूज़ में नहीं आ रहे हैं, वर्षों से आपने सोच के रखा है कि आप स्वेटर बनाऊंगी, और वो सालों से यूं ही पड़े हैं बदहाली में, तो वो आपकी बदहाली का प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो उनको तुरंत ही फेंक दीजिए। जो गोले होते हैं उनके, ऊन के जो गोले होते हैं, वुलन गोले होते हैं, वो अगर आप गोला ही आकार में लपेट के रखते हैं, गोलाकार ही होते हैं, लेकिन अगर वो लपेटे हुए होते हैं वो आपकी किस्मत को भी बदरंग करते हैं, आपकी किस्मत को भी कभी पनपने नहीं देते हैं, आपकी किस्मत कभी भी आबाद नहीं होती है। तो ऊन के गोले तो अवश्य ही डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, किसी को दे दीजिए या डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तीसरी चीज़ें हैं फटी पुरानी पुस्तकें।
फटी पुरानी पुस्तकें जो आपके काम नहीं आ रही हैं, आप बोलेंगे अब पढ़ेंगे, इस चक्कर में वो फटती ही चली गई है, उसको तुरंत फेंक दें। वो आपकी किस्मत को बदरंग कर सकती है। एक फटी हुई किताब आपकी ज़िंदगी को भी फटापना दे सकती है। इसको अवश्य ही तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। चौथी चीज़ है पुराने वस्त्र। पुराने वस्त्र अगर वियरेबल है तो आप किसी को दे सकते हैं। इसका ऑरा कट करने का प्रोसीजर होता है, उसको एक कोना कट कर दीजिए और कट 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 3 बार बोलिए और धोकर ही किसी मनुष्य को दीजिए, तो आपको दोष नहीं लगता है, वो वस्त्र उसके काम आ जाएगा। लेकिन आपको सलाह दूंगी कि ऐसे कोने से कट कट करें जिससे उसको पता ना चले कि इस जगह से कपड़ा कटा हुआ है, तभी आपको लाभ होगा। फटा हुआ पुराना कपड़ा कभी किसी को ना दें। जो कपड़े आप खुद नहीं पहन सकते हैं वो किसी को देने का आपको कोई हक नहीं है, जो आपको लगता है कि ये पहनने लायक नहीं है। ऐसे कपड़े भूल कर भी किसी को नहीं देने चाहिए, इससे आपको दोष लग सकता है। चौथी चीज़ है डेंट वाले बर्तन। जो डेंट वाले बर्तन होते हैं, कटे स्टील के बर्तन आपने देखे होंगे कि डेंट लग जाता है हल्की क्वालिटी के बर्तनों को, और वो कट भी जाते हैं। तो कटे हुए बर्तन अगर आपके घर में है या टूटे फूटे बर्तन आपके घर में है, डेंट वाले बर्तन हैं, उनको भी आपको दान स्वरूप किसी को देना है। कबाड़ी वाले से भी पैसे नहीं लेने हैं उन बर्तनों के, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और शनि संबंधी कष्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को देते हैं तभी आपको दान का पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी को पैसे लेकर देते हैं तो आपकी मर्जी है, वो भी कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपको शनिकृत कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं अगर आपका शनि पीड़ित है, खराब है। तो शनि संबंधी कष्टों से मुक्ति के लिए स्टील के बर्तन टूटे फूटे फ्री में किसी को देते हैं तो आपको लाभ होता है। अब मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, निवाड़ के गोले। निवाड़ के गोले कुछ लोगों ने पूछा था कमेंट में क्या होते हैं। जो पलंग होता है पुराने ज़माने का, उसको बुना जाता था जिस चीज़ से, वो निवाड़ कहलाती है। रस्सी से भी आपने खाट बुनाई सुनी होगी, रस्सी जो मूझ होती है उससे खाट बुनी जाती है। उसके गोले अगर आपके यहाँ है, मूझ तो वैसे बरकत वाला आइटम है, मूझ के गोले तो आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन लपेटी हुई अवस्था में नहीं रखें। किसी भी चीज़ को लपेटी हुई अवस्था में आप कोई चीज़ रखते हैं तो आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है और आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, किस्मत भी बदरंग हो जाती है। स्पेशली जो निवाड़ के गोले होते हैं, आपको पुराने हो गए हैं तो उस दिन अवश्य ही फेंक देना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है। इससे ऐसा करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगली चीज़ है टूटा फूटा डस्टबिन। आपका डस्टबिन इस कंडीशन में कि आपको नया लाने का सोच रहे हैं तो तुरंत आप डस्टबिन नया ले आइए और उस डस्टबिन को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए जो पुराना हो चुका है, बदरंग हो चुका है। डस्टबिन वैसे भी शनि का प्रतीक है, डस्टबिन पुराना हो जाने पर डबल शनि का प्रतीक हो जाता है, और डस्टबिन तो पुराना या टूटा फूटा अवस्था में आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगली चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सकरात पे जो हम पतंग उड़ाते हैं उसकी चरखी, चरखी जो लपेटी हुई अवस्था में होती है, चरखी को भी अवश्य ही डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, चाहे पुरानी हो या नई हो। आपको एक चरखी तो डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए शनि अमावस के दिन। आपको ये जो चरखी होती है इसमें सद्दा है लपेटा हुआ या मंजा है लपेटा, या आपको मोह होता है, पतंग भी आप संभाल के रखते हैं, पुरानी पतंगों को भी, लूटी हुई पतंगों को भी आपको इस वक्त अवसर पर निकाल देना चाहिए। अपने घर से पतंग और चरखी दोनों को ही फेंक दें। बच्चों को समझा दें कि आपके लिए नई ले आएंगे या सही ले आएंगे, क्योंकि चरखी पुरानी हो चुकी है, टूटी फूटी कंडीशन में आ चुकी है, तो उसको आपको घर में रखना अशुभ परिणाम देगा और आपको ये ऐसी चरखी और पतंग अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगली चीज़ है टूटा फूटा चाकू, जंग लगा हुआ चाकू। जंग, अब मैंने 7 से ज़्यादा ही हो रहे हैं काउंटिंग में, खैर जितना आपका भला हो सके उतना ही मैं प्रयास कर रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और काउंटिंग मत करिए। आपको मैं अच्छी सलाह देने जा रही हूँ आज, तो पूरी सुनिएगा। तो आप जंग लगा हुआ चाकू अगर आपके घर में है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, सावधानीपूर्वक फेंकिए, किसी कागज़ में लपेट के फेंकिए जिससे किसी को हानि ना हो, सबका भला सोचिए और इसको फेंक दीजिए। आपको इतनी रिलीफ मिलेगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके यहाँ पैकिंग में डिब्बे आते हैं जो हम कार्टून बोलते हैं, उनको भी फ्री में
किसी को दे दीजिए या फेंक दीजिए, कबाड़ी वाले या कचरा बीनने वाले उसको ले जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, जिन चीज़ों को फेंकने के लिए बता रही हूँ। अगर चाहें तो आप उनको रद्दी वाले को भी दे सकते हैं, ये आप पर है, लेकिन उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो ये निःशुल्क ही आप ज़रूरतमंदों को वितरित करेंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और टूटा फूटा आइटम तो आपको फेंक देना है, किसी को भी नहीं देना है। ये आप पर है कि आप किस किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ, लेकिन ये आपके लिए मनुष्यत से भरे हुए होते हैं आइटम। और इनको फेंकने का दिन शनिवार होता है और अमावस का दिन भी अडार तंत्र के लिए मैंने बताया उपयुक्त माना जाता है। तो आपको इतना उचित अवसर मिल रहा है इन चीज़ों को फेंकने का, तो आपको अवश्य ही फेंक देना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे ताले हैं जिनकी चाबी नहीं है, या ऐसी चाबी है जिसका ताला नहीं है, वो तो फौरन फेंक दीजिए। आपको अपने घर में ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ये राहु केतु के प्रतीक होते हैं, स्पेशली केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपको तरह तरह के परेशानियाँ ज़िंदगी में आ सकती हैं। आप सेटल नहीं होंगे ज़िंदगी में, ये मान के चलिए आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कोई बिगड़ी नहीं बन पा रही है, तो इसका कारण आपका ताला हो सकता है, चाबी हो सकती है। तो इनको अवश्य ही डिस्पोज कर दीजिए, जिनका चाबी नहीं है या जिसका ताला नहीं है, तो इनको तो अवश्य ही डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर के ऐसे बर्तन जिनके हैंडल टूटे हुए हैं, जैसे तवा है तो उसका हैंडल टूट गया है, ऐसी चीज़ भी आप अपने घर में ना रखें, इससे आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। और नया आइटम अमावस्या शनिवार के दिन नहीं लाना है, अन्य शुभ मुहूर्त में, या अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त आ रहा है, उस दिन आप इन चीज़ों की परचेजिंग करें। जो जो चीज़ें आपने फेंकी है या दी है, उसी उसी आइटम को नया रूप में आप लेके आ सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा।